जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्याजे का सिद्धांत, जीन प्याजे। ठीक है, बाल विकास की हमारी निरंतर रोज कक्षा होती है शाम को 7:30 बजे। ठीक है, शाम को 7:30 बजे आपको निरंतर ये वीडियो मिलेंगे और विस्तृत अध्ययन हम कर रहे हैं। पूरा का पूरा कम्प्लीट कोर्स आपको करवाया जा रहा है। जीन प्याजे से पहले के बहुत सारे आपके 10 वीडियो जो है वो आप कम्प्लीट रूप से देखें। ठीक है, तो प्याजे के सिद्धांत में हम बाल विकास का संज्ञानात्मक जो विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है उसको पढ़ने वाले हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, जो भी हमारे नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी दबाना है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे दोस्तों ये वीडियो। जन्म 9 अगस्त 1896 स्विट्जरलैंड में, मृत्यु 16 सितंबर 1980 को हुई। ठीक है, पहले जंतु विज्ञान, बाद में मनोविज्ञान एक बने, अपने ही 3 बच्चों का अवलोकन किया इन्होंने। तो ये चीज आपको याद रख लेनी है। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जीन प्याजे किस देश के विद्वान वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, तो ये स्विट्जरलैंड के थे। 1896 में इनका जन्म हुआ, 1980 में मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये फैक्ट भी यहाँ से एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको याद रख लेंगे। ठीक है, जीन प्याजे के सिद्धांत की विशेषताएं देखेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखो पूरा का पूरा, इसको थोड़ा सा जूम करेंगे। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक कार्य विधि की विशेषता, संगठन की विफलता के परिणाम स्वरूप अनुकूलन। ठीक है, अनुकूलन, प्राप्त नवीन सूचनाओं को बौद्धिक संरचना में व्यवस्थित करना, पूर्व ज्ञान तथा नवीन अनुभव में संतुलन स्थापित करना, ये क्या है संज्ञानात्मक कार्य विधि की विशेषताएं हैं। अनुकूलन की प्रक्रिया यहां पर अगर देखें तो अनुकूलन की प्रक्रिया समावेशन, आत्मसातकरण और समाविष्टीकरण, समायोजन, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। अनुकूलन की प्रक्रिया को एक समावेशन, आत्मसातकरण और समाविष्टि, समायोजन। ठीक है, नवीन अनुभवों को पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में यथावत व्यवस्थित करना, नवीन अनुभवों की दृष्टि से पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करना, विस्तार करना या फिर परिवर्तन करना। तो ये कुछ विशेषताएं थी किसकी, संज्ञानात्मक कार्य विधि की कुछ विशेषताएं। ठीक है, अब इसके बाद प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के जो है प्रयुक्त जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनको देखेंगे यहाँ पर। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में प्रयुक्त महत्वपूर्ण प्रत्यय, तो बौद्धिक संरचना, ठीक है, बच्चे के मानसिक संगठन या क्षमताओं की बौद्धिक संरचना कहते हैं, तो ये बौद्धिक संरचना ये भी यहाँ पर प्रयुक्त तथ्य है। फिर साम्य धारण या फिर संतुलन, आत्मसातकरण या फिर समाविष्टीकरण की प्रक्रिया के बीच संतुलन को क्या कहते हैं, साम्य धारण कहते हैं। ये जो कठिन कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं ना, कठिन जो शब्द होते हैं, अब जैसे साम्य धारण है आपको पता होनी चाहिए, बौद्धिक संरचना क्या है ये भी पता होनी चाहिए, मानसिक क्रिया, जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए क्रिया करता है तो उसे मानसिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, स्कीमा, मस्तिष्क में संचित सूचनाओं एवं अनुभवों का जो है ढांचा होता है जिसके अनुसार व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है, वो स्कीमा है। और यहाँ पर ये चिंतन करता है, चिंतन करता है, उसे मानसिक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, स्कीम्स और स्कीमा है ना, किसी काम को करने के लिए हमारे पास जो है विभिन्न प्रकार के क्या होते, तत्व होते, उसे स्कीम्स कहते हैं। विकेंद्रीकरण, यानी किसी वस्तु की एक ही विशेषता के बारे में ना सोचकर उसके अलग अलग पहलुओं के बारे में सोचना क्या कहलाता है, विकेंद्रीकरण। तो यहाँ पर कुछ शब्द इनके सिद्धांत में आते हैं जिनको हमने देखा कि बौद्धिक संरचना है ना, साम्य धारण, संतुलन, मानसिक क्रिया, स्कीमा, स्कीम्स और विकेंद्रीकरण, इसके बारे में ये तथ्य यहाँ पर इनके प्रत्यय इनके सिद्धांत में आते हैं जिनको हमने समझ लिया। ठीक, अब दोस्तों हमें प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं उनको यहाँ पर अवस्थाओं को पढ़ना है। ठीक है, तो ये संज्ञानात्मक विकास की इन्होंने अवस्था दी है, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने जो अवस्था दी है वो संवेदी पेशी अवस्था, इसका जो इन्होंने काल माना है वो 0 से 2 वर्ष माना है। ठीक है, किसने, जीन प्याजे साहब ने। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष माना है। ठीक है, दूसरी जो अवस्था है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। ठीक है, तो ये 4 अवस्थाएं हैं। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसा बनता है, सबसे पहले तो यही बनता है कि जीन प्याजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं दी हैं, तब आपका उत्तर होगा 4।
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि संवेदी पेशी अवस्था का इन्होंने जो काल माना है वो क्या माना है, तो 0 से 2 वर्ष माना है, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का काल क्या माना है, तो 2 से 7 वर्ष माना है, ठीक है। जीन पियाजे साहब ने जो है संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था किसे माना है, या दूसरी अवस्था कौन सी है, निम्न में से बताइए, तब आपका उत्तर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। और 7 से 11 की अवस्था को जीन पियाजे ने क्या कहा है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का जो काल है वो क्या है, तो 11 से 15 वर्ष है। तो इस प्रकार से यहाँ से 4 से 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके लिए हमें तैयार रहना है, जो इन्होंने 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं जीन पियाजे साहब ने। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इन्होंने किस प्रकार कौन सा सिद्धांत दिया है, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, ये चीज भी देखना। दोस्तों यहाँ पर जो अपनी पहली अवस्था है 0 से 2 वर्ष संवेदी पेशी संवेदनात्मक या फिर गामक अवस्था, ठीक है, इसको ऐसे कहा जाता है संवेदी पेशी अवस्था, संवेदनात्मक अवस्था या फिर गामक अवस्था, इस प्रकार से कई प्रकार से इसको जाना जाता है। तो इसके लिए हमें तैयार रहना है। संवेदी पेशी अवस्था के बारे में अगर हम जाने तो इसको अलग अलग प्रकार से इन्होंने क्या कहा है, तो इसकी जो विशेषताएं हैं संवेदी पेशी अवस्था की उनके बारे में जानेंगे कि इस उम्र में जो बालक है वो क्या क्या करता है, ठीक है, वो देखेंगे। तो यहां पर देखो सबसे पहले तो यही है कि प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, ये जो संवेदी पेशी अवस्था है क्या है, प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था है, ठीक है। जन्म से 30 दिन तक क्या करता है, सहज क्रिया करता है, चूसने की क्रिया सबसे प्रबल है, ठीक है, ये इसमें होता है। नेक्स्ट है दोस्तों प्राथमिक वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, इसे प्राथमिक वृत्तीय क्रियाओं की अवस्था भी कहा जाता है प्रतिक्रियाओं का, और 1 से 4 माह तक सहज क्रियाएं प्रतिवत क्रियाएं है ना समन्वित व व्यवस्थित हो जाती हैं, कुछ शारीरिक क्रियाओं का प्रदर्शन अधिक करता है, ठीक है। तीसरी विशेषता हम इसमें देखेंगे कि ये गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं प्रतिक्रियाओं की अवस्था, 4 से 8 माह तक आनंददायक क्रियाओं की पुनरावृत्ति, वस्तुओं को स्पर्श करने की क्रिया इसमें करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, 8 से 12 माह तक नए लक्ष्य तथा पहुंचने के लिए अर्जित ज्ञान का उपयोग करना, स्कीमा का सामान्यीकरण करना, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, 12 से 18 माह वस्तुओं को उठाने, गिराने, जोड़ने, तोड़ने जैसी क्रियाएं अधिक होती हैं इस अवस्था में, है ना। और भी देखेंगे 18 से 24 माह तो प्रतीकात्मक चिंतन की अवस्था है, 18 से 24 माह की वस्तु स्थायित्व का गुण प्रतीकात्मक चिंतन का गुण इसमें आ जाता है। तो ये जो संवेदी पेशी अवस्था है इसको भी विभिन्न अलग अलग विशेषताओं के माध्यम से हमने यहाँ पर देखा, प्रकट किया, जिनके बारे में हमने जाना। और भी देखते हैं यहाँ पर देखें कि संवेदी पेशी या संवेदनात्मक गामक अवस्था की विशेषताएं, इस अवस्था में बच्चे बुद्धि का प्रदर्शन गत्यात्मक क्रियाओं द्वारा करते हैं, ठीक है, गत्यात्मक क्रियाओं द्वारा। संसार के विषय में ज्ञान सीमित होता है, बच्चे अपनी इंद्रियों के माध्यम से प्राथमिक अनुभव प्राप्त करते हैं, बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों निम्न में से बताइए किस अवस्था में जीन पियाजे साहब की कौन सी अवस्था है, संज्ञानात्मक विकास की जो सिद्धांत इसकी कौन सी अवस्था है, कौन सी जो इन्होंने जो बताई है विकास की जो अवस्थाएं बताई हैं, ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, तो वो अवस्था कौन सी है, संवेदी पेशी या फिर संवेदात्मक गामक अवस्था, ठीक है। संसार के विषय में सीमित ज्ञान तो होता है, सभी को पता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में जानेंगे, जो दूसरी जो अवस्था है 2 से 7 वर्ष की अवस्था उसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसके बारे में जानेंगे कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, संकेतात्मक कार्यों वा भाषा प्रयोग की अवस्था इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। पूछा जाएगा कि संकेतात्मक कार्यों और भाषा प्रयोग की जो अवस्था है वो कौन सी है, 2 से 7 वर्ष है, ठीक है। और इसको 2 भागों में बांटा गया, पूर्व प्रत्यात्मक काल और अंतर्दर्शी अवधि। तो 2 से 4 वर्ष का जो काल है वो पूर्व प्रत्यात्मक काल, और अंतर्दर्शी जो अवधि है वो 4 से 7 वर्ष है, ठीक है। तो इसमें देखें पूर्व प्रत्यात्मक काल में 2 से 4 वर्ष में इसे खोज की अवस्था कहते हैं, क्यों तथा कैसे प्रश्नों के उत्तर जानने के प्रयास होते हैं, इसमें अनुकरण की प्रवृत्ति होती है, भाषा विकास के लिए महत्वपूर्ण आत्म केंद्रता की भावना और जीववाद की भावना। तब आपसे एक क्वेश्चन यहां से बनता है दोस्तों, आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि
की खोज की जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था है, तब आपका जो उत्तर होता है कौन सी अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। लेकिन अगर 2 से 4 वर्ष दिया जाता है या 4 से 7 वर्ष दिया जाता है तो आपका उत्तर होगा 2 से 4 वर्ष अवस्था खोज की अवस्था मानी जाती है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों के उत्तर जो किस अवस्था की विशेषता मानी जाती है तो जे मानी जाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। अनुकरण की प्रवृत्ति पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भाषा विकास के लिए महत्वपूर्ण है, तो वो कौन सी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर पूर्व प्रत्यात्मक काल, इसमें अगर बात करें तो, ठीक है। जीववाद की भावना भी इसी में है, 2 से 4 वर्ष यानी पूर्व प्रत्यात्मक काल, इनको याद रख लेना है दोस्तों। अंतरदर्शी अवधि में देखें तो 4 से 7 वर्ष यानी कि इसमें अतार्किक चिंतन, ठीक है, बिना किसी तर्क के किसी बात को स्वीकार कर लेना, जोड़ घटाना गुणा व भाग की समस्याओं का समाधान करना, प्रत्यक्षतः दिखाई देने वाली वस्तुओं पर आधारित चिंतन करना, विचार प्रक्रिया की अविलोमीयता। तो ये विशेषता है, यहाँ से सीधे क्वेश्चन आपसे बनते हैं। अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया है और आपको समझ में आ रहा है तो निश्चित ही आपसे यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे फैक्टों के माध्यम से हम ये अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की कुछ विशेषताएं हैं, तो इसमें देखें किस अवस्था में स्मृति और कल्पना विकसित हो जाती है, ठीक है। इस अवस्था में चिंतन अतार्किक तरीके से होता है, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि किस अवस्था में संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में चिंतन अतार्किक होता है, तो अतार्किक होता है 2 से 7 वर्ष की अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। इस अवस्था में भाषा का प्रयोग परिपक्व हो जाता है, ठीक है। इस अवस्था में बालक स्वयं केंद्रित हो जाता है, स्वयं को अपने कार्यों तक ही सीमित रखता है, ठीक है। तो ये चीज इसकी विशेषता है, इनको हमें याद रखना। और भी देखें तो बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उनमें भेद करने प्रारंभ कर देता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इस अवस्था में संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, वे वस्तुओं को समूहों में विभाजित कर उनके नाम देना प्रारंभ कर देते हैं। इस अवस्था में अविलेमीयता है ना का गुण या पलटकर सोचने की शक्ति का अभाव पाया जाता है। इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को उनकी संख्या व परिमाण के संदर्भ में सही रूप से समझ नहीं पाते या संरक्षण नियम के ज्ञान का अभाव होता है। तो यहाँ पर हमने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पढ़ा, जिसका जो समय माना जाता है 2 से 7 वर्ष माना जाता है, जिसको 2 भागों में बांटा गया दोस्तों। यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि ये जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है इसको 2 भागों में बांटा गया। एक तो बांटा गया कौन कौन सा, यहाँ पर देखो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, एक पूर्व प्रत्यात्मक काल और अंतरदर्शी अवधि, ठीक है। इनके बारे में अलग अलग तरीके से 2 से 4 वर्ष पूर्व प्रत्यात्मक काल और 4 से 7 वर्ष अंतरदर्शी अवधि, ठीक है, इसके बारे में हमने जाना। अब जानेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में, जो तीसरी अवस्था है वो अवस्था कौन सी है, 7 से 11 वर्ष की अवस्था, वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके बारे में जानेंगे, इसकी विशेषताएं जानेंगे। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था है और मूर्त या फिर ठोस वस्तुओं के संबंध में तार्किक चिंतन की योग्यता, हमने इसके पहले पढ़ा था अतार्किक चिंतन, हमने पढ़ा था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, और तार्किक चिंतन की अगर बात करें तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मापने तोलने और गिरने की योग्यता इसमें आ जाती है ना। 3 मानसिक योग्यताओं में निपुणता आ जाती है, कौन कौन सी, संरक्षण का सिद्धांत, संबंध और वर्गीकरण, ठीक है। किसी वस्तु की मात्रा पर उसके आकार में परिवर्तन करने या उसको हिस्सों अथवा टुकड़ों में विभक्त कर देने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संरक्षण के ज्ञान के लिए 2 गुणों का होना अनिवार्य है, एक तो विलोमीयता और तार्किक जो है गुणितता। संबंध की बात करें तो किसी वस्तु को उनकी विशेषताओं, ऊंचाई, भार, लंबाई आदि के आधार पर क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित करने की क्षमता। वर्गीकरण में वस्तुओं के गुण के आधार पर वर्गों या उपवर्गों में बांटने की क्षमता इसमें आ जाती है। तो इसमें आपको याद रख लेना है कि ये चिंतन की योग्यता इसमें आ जाती है, तार्किक चिंतन की योग्यता, ठीक है, मापने तोलने और गिनने की योग्यता आ जाती है ना। 3 मानसिक योग्यताओं में निपुण हो जाती है, एक संरक्षण का सिद्धांत, संबंध और वर्गीकरण, ठीक है, किसमें, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। सबसे पहला प्रश्न तो यहीं से ये पूछा जाता है आपसे कि तार्किक चिंतन का विकास किस अवस्था में होता है जीन प्याजे की, तो आपका उत्तर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका समय माना जाता है 7 से 11 वर्ष, ठीक है, इसको याद रख लेना है। इसके बारे में और भी जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उनके बारे में देखते हैं। देखो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के कुछ तत्व हैं, उनके बारे में जाने। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के तत्व हैं, एक तो संरक्षण का सिद्धांत, संबंध और वर्गीकरण, ठीक है,
इसको दो भागों में बांटा गया, विलोमिता और तार्किक गुणदत्ता। ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के कुछ तत्व हैं। मूर्त संक्रियात्मक विकास की अवस्थाएं देखो, इस अवस्था में आत्म केंद्रित विचारों में न्यूनता आने लगती है। आत्म केंद्रित विचारों में, आपसे सीधा क्वेश्चन बनेगा कि किस अवस्था में आत्म केंद्रित विचारों में न्यूनता आने लगती है, तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। इस अवस्था में मूर्त समस्याओं का समाधान बच्चे ढूंढने में सक्षम हो जाते हैं, किंतु अमूर्त समस्याओं के विषय में वे नहीं सोच पाते। किसमें? मूर्त में। मूर्त समस्याओं का समाधान बच्चे ढूंढने में क्या हो जाते हैं? सक्षम, लेकिन अमूर्त समस्याओं के विषय में वे नहीं समझ पाते। ठीक है, इस अवस्था में भी चिंतन में क्रमबद्धता की कमी रहती है। इस अवस्था में बच्चे गणित पढ़ने और गिनती करने में रुचि लेने लगते हैं। दो वस्तुओं में कौन सी वस्तु छोटी है, कौन सी बड़ी, इस प्रकार के संबंध जो है बच्चे समझने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चे यथार्थवादी और अधिक व्यवहारिक होते हैं। इस अवस्था के बच्चों में विलोमीयता और संरक्षण के नियम का ज्ञान होता है। ठीक है, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की कुछ विशेषताएं थी जिसके बारे में हमने जाना। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो ये जो चौथी अवस्था है जीन प्याजी की, और ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष इसका समय माना जाता है। इसमें देखें तो चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता, ठीक है, समस्या समाधान क्षमता का विकास, अमूर्त तथ्यों के संबंध में तार्किक चिंतन की योग्यता, और प्रतीकात्मक शब्दों, रूपकों, उपनामों आदि का बोध। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता जो आती है वो कौन सी अवस्था में आती है, तब आपका उत्तर होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, समस्या समाधान की क्षमता का विकास कौन सी अवस्था में होता है, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। अमूर्त तथ्यों के संबंध में बच्चा तार्किक चिंतन करने लगता है, तो वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। हमने पढ़ा था कि मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है, बालक मूर्त विचारों के बारे में जानता है, मूर्त कल्पनाओं के बारे में, है ना, तो मूर्त चिंतन करता है, लेकिन अमूर्त तथ्यों के बारे में जानने लगता है, योग्यता आ जाती है, तो वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, और इसके बारे में हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों के, यहां पर देखेंगे। ये हैं आपके कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथा आपसे क्वेश्चन जो बनते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम जान लेंगे, है ना। पहले हम देखेंगे कि प्याजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में दो क्रियाएं होती हैं। सबसे पहली तो होती है समावेशन और दूसरी होती है समायोजन। ठीक है, ये दो क्रियाएं होती हैं। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को इस नाम से जाना जाता है, तो वो आत्मसातकरण, है ना, आत्मसात, नई जानकारी जोड़ने को क्या जाना जाता है, आत्मसातकरण, है ना। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करती है। विचार दिया है तो प्याजे साहब ने दिया, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है, तो समायोजन कहलाती है। ठीक है, दो से सात वर्ष का बच्चा संज्ञानात्मक विकास की इस अवस्था में होता है जिसे कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, दो से सात वर्ष बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ये किसने कहा? प्याजे साहब ने कहा। घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, इस अवस्था से संबंधित है, तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, वस्तु स्थायित्व को, तो संवेदी प्रेरक चरण पर। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो पूछे जाते हैं हमेशा परीक्षाओं में। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। रोज शाम को 7:30 बजे आपको निरंतर कक्षाएं मिलेंगी, तो शाम को 7:30 बजे आपको रोज पढ़ना है विस्तृत अध्ययन बाल विकास का। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वह वाइगोत्स्की का सिद्धांत होगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इनका सिद्धांत क्या कहता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर करना है, जो भी हमारे नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा देना, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक, ज्वाइन हो जाना है। दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, जय हिंद।